सो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं टीम सोल में क्या चेंजेस होने वाला है, क्या निंजा बॉय आने वाले, कंफर्म कर दूंगा ये चीज तो, फिर उसी के साथ कुछ और चेंजेस। एंड अभी यहाँ पे हेक्टर स्ट्रीम कर रहे थे जहाँ पे वो और गॉब्लिन एक्सपोज करते हैं ओमेगा को, बहुत सारी चीजें बताते हैं जो भी हुआ था सोल में, कार्निवल गेमिंग में क्या प्रॉब्लम्स चल रहे थे टीम में, जो ओमेगा ने यहाँ पे स्टोरी लगाया था, फिर कुछ और चीजों को, कुछ और लोगों को हेक्टर रिप्लाई देते हैं, बहुत बड़ा सीन हुआ था। उसके बाद ओमेगा का वापस से रिप्लाई आता है, उस चीज पे आगे बताता हूँ। पहले बात करते हैं सोल के बारे में। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, मायू भाई ने कंफर्म कर दिया टीम सोल में चेंजेस होने वाले हैं। अब कौन कहाँ जाएगा वो तो नहीं पता, कोई हिंट भी नहीं आया था, लेकिन अगर आप लोग देखोगे अभी जो स्क्रीन चल रहा है तो उसमें टीम सोल में मान्या, नकुल, रॉनी खेल रहे और एक न्यू प्लेयर है डीसी रूड। अब मैंने चेक किया गेम में तो ये आईडी शो ही नहीं कर रहा था, मुझे मिल ही नहीं रहा था, सो नहीं पता एग्जैक्टली कौन है, लेकिन कुछ लोग बोलेंगे निंजा बॉय, तो नहीं, स्क्रीन चल रहा था उसमें यहाँ पे देख सकते हो इस टीम में रूड भी थे और नीचे यहाँ पे जी के साथ निंजा बॉय भी थे एंड जी का फुल लाइनअप इसमें आर्कलिन थे। तो इससे ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि निंजा बॉय टीम सोल के साथ नहीं खेल रहे अभी। अब चेंजेस होगा ऐसे मायू भाई ने बोला, तो कौन हो सकता है, वेल देखते हैं आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में बताना। और ऐसा अगर देखो, अगर कोई न्यू एसॉल्टर आता है तो मेरे हिसाब से शायद निंजा जॉर्ड लीव कर सकते हैं। अभी देखो मैं, मेरा प्रेडिक्शन है, कुछ भी हो सकता है, वेट करते हैं। अब बात करते हैं ओमेगा और हेक्टर के बीच में क्या सीन हुआ है। तो मैंने आपको दिखाया था ओमेगा का यहाँ पे ये ब्रॉडकास्ट में शेयर हुआ था जहाँ पे वो बोले थे कि अब यहाँ पे जो भी सीन है उसको वो शॉर्ट करने वाले हैं, मतलब एक ही बार में सब कुछ एक्सपोज करेंगे जो भी चीज़ होगा। तो अभी हेक्टर स्ट्रीम किए थे जहाँ पे वो लोग बात करते हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में, एक्सपोज करते हैं, तो सुन सकते हो और हेडफोन्स पहन लो नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। अक्षय दादा, मैटर ऐसा था, हमारा BMTS खत्म हुआ, BMTS खत्म होने के बाद हमारी मीटिंग, हमें ऐसा नहीं था कि भाई अगर अक्षय को खिलाना नहीं होता ना तो BMTS में उसको लेते नहीं, पहली चीज उसको पहले ही मना कर देते, ठीक है। हम चारों को, हम तीनों को उसके साथ खेलना था, इसलिए हमने बोला BMTS क्या देखेंगे, BMTS हम क्वालिफाई नहीं हुए, ठीक है, BMTS हम क्वालिफाई नहीं हुए, BMTS क्वालिफाई नहीं, और हमें बोली कि हमें फोन मैन रोस्टर चाहिए, तो तुम डिसाइड करो तुम किसको निकाल रहे हो, ठीक है, शोभन या अक्षय। अब रही बात अक्षत, हमें था कि BMTS के बाद हम अक्षत को खिलाएंगे एंड BMTS के मैचेस के बीच में भी खिलाने वाले थे सेमीज में यार, उसमें बट हम वो एज में ही आएगा तो खिला है, हम हक दिए। डेढ़ महीने से हम पहला पावर पे काम किए, पावर चला गया, उसके बाद शोगन आया, शोगन पे काम किए, अब चूज, अब बात आई कि या तो शोगन को चूज करो या तो अक्षत को चूज करो। अब हम डेढ़ महीना अक्षत को, शोगन को दिए, ठीक है, डेढ़ महीना हमने शोगन के साथ खेले, शोगन के साथ सही किया है, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ बहुत बेकार प्लेयर वो है, जस्ट यूज बेसिस पे नहीं किया गया कि भाई कौन बेटर है कौन नहीं, बट एक प्लेयर ने 3 महीने का ब्रेक लिया, 3 महीना कॉम्पिटेटिव के सिनेरियो से बाहर था एंड एक प्लेयर 2 महीना खेला है हमारे साथ, हमने उसको टाइम दिया, हमने उसको हर चीज दी वो पेज में, ठीक है। तो टीम डिस्कशन हुआ, टीम डिस्कशन में सबसे पूछा गया, मैंने सबसे पूछा, ओपिनियन में आया कि शोगन इन है एंड अक्षत आउट है। अक्षत ने हमें क्लियरली बोल दिया था कि अगर ऐसा कुछ, मैंने अक्षत को एंड मैंने एक से और से बात हुई थी तो मैंने बोला था खिला के दिखते अक्षत को करके, ठीक है, पहला 10-15 दिन हम खिला के दिखने आए थे, 15 दिन अक्षत में, 15 दिन शोगन में, उसके बाद बताने वाले थे, बट ऐसा हुआ कि लटका के नहीं रखना था, अक्षत ने हमें बोले लटका के मत रखो, हो पाया तो अभी क्लियर कर दे क्योंकि मुझे लटके नहीं रहने। अब रही बात अक्षत की, ये बोलना कि 2-3 साल से था एंड जो भी था यार, भाई तेरे लिए बहुत लोगों ने बुरा भी बोले, तेरे को बिठाने के लिए बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोले, ठीक है, ऐसा नहीं था कि नहीं था, एंड अक्षत ने ब्रेक नहीं लिया था, अक्षत ने बोला था कि मेरे को घर से खेलना है BGMS, तो मैंने उसको क्लियरली मना कर दिया नहीं तो घर से नहीं हो पाएगा, हमें एक प्लेयर को उठा के ट्राई कर दी, जब दोस्ती है तुम इतना भाईचारा करते हैं तब कर लेना चाहिए ना, फिर घर से खिला देना चाहिए तेरे को BGMS क्या। तो ये यहाँ पे पहले क्लियर किया क्यों वो लोग शोगन को चुने अक्षत की जगह, उसके बाद यहाँ पे अब बात करते हैं अमित भाई के बारे में, जो उनका कल स्टेटमेंट आया था वो सुन सकते हो। अमित भाई आते कल स्ट्रीम पे, पता नहीं मैंने हाईलाइट देखा, जो भी बोले कि हमने फाइनेंशियली बैक सपोर्ट किए थे एक्टर को, हमने ये किए थे, उसने किया गलत किया, पहली चीज अमित भाई फाइनेंशियली बैक सपोर्ट सिर्फ नहीं किए, वो सोलन चीज, सेकंड चीज जो मेरे को बैकफायर करना था, बैकफायर करना होता तो सोल में मैं रुकता, मैं बहुत दिन सोल में रुकते एंड हम बैकफायर करते, फिर उसके बाद हम टीम, मैंने बहुत बार बोला था कि मुझे टीम के लिए बहुत ज्यादा इमोशन है, मैं टीम के लिए करता हूँ, मैं टीम के लिए छोड़ा सब कुछ, सोल भी छोड़ा, सब कुछ चीजें किया टीम के लिए एंड मेरे को आगे बोलो कि बैकफायर किया मैंने। 2 दिन पहले इवेंट के बेसिस पे जो हो रहा है, ओमेगा ने इतने DMs किया है, ओमेगा मैसेज खड़ा करता था ऐसा कि मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मैं खिला नहीं पा रहा हूँ टीम को, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे, डीमोटिवेट हो गए, समझ रहे हो, डीमोटिवेट होकर उसने ओवेस पे सब टेक्स्ट फिक्स किया है, तो भाई ओवेस का तो हक होगा ना कि पूछेगा टीम से कि भाई किसका कॉन्फिडेंस किस में, मेरा एक फॉर्म चल रहा है उस टाइम में, मैं अच्छा खेल रहा हूँ उस टाइम पे, तो क्या दिक्कत है, इवेंट बैठ गया ना, क्या दिक्कत है, मैं भी 2 इवेंट बैठा हूँ ना, क्या दिक्कत है, मैं तो बिना रीजन के बैठा हूँ, कोई रीजन था, जस्टिफाइड किया गया था, नहीं बैठा था, एक रीजन, एक इवेंट बैठने में क्या दिक्कत थी, कौन सा कोई दूसरा बाहर का अपना आगे, कोई बाहर का आगे खेल रहा था, अपने आगे खेल रहा था ना, बताओ अपना ही आगे खेल रहा था ना, कोई बाहर का था खेलने वाला, एंड उसके खुद के वर्ड से उसको खुद को उस टाइम कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, BGMS के लैंड से पहले कोई आईजी को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा एंड सामने फिफ्थ बैठा है जो फिफ्थ अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो क्या उसको इन नहीं किया जाएगा, बहुत सिंपल लॉजिक है भाई, इसको घुमाओ मत, इतना मत घुमाओ, वेस्ट है घुमाना, वेस्ट, एंड मैं क्लियरली बताऊंगा चीज़ें जो भी है, एटलीस्ट मेरे कोई कोई भी ऑर्डर ना सोलने में भी बोली ना, मेरे को सीजन बोली हम तुमको निकालने का सोच रहे, किसी ने नहीं बोली, जो तुम बोल रहे हो कि हम निकाल सकते थे भाई, कुछ नहीं निकाल सकते,
निकालने के रेड टारगेट सिर्फ दो ही थे, अमित बैंक ओमेगा, इन दोनों और दोनों और डिफेंड करने वाले हम तीन थे, मेरे कॉपी थे अक्षर बैन शुद्ध भूल जाते हो सब कुछ अजीब हो। और अमित भाई का बहुत क्लियर, अमित भाई तुम थे ही नहीं, तुम पूरे सीन में ही नहीं थे बीजेपी में, क्या हुआ किसके साथ दो दिन पहले क्या हुआ क्या बात हुई, तुम्हें ये सब भी नहीं पता जो मैंने अभी बोला स्ट्रीम पर, ठीक है ये सब भी नहीं पता है, तो तुम कैसे बोल सकते हो कि कौन सही है कौन गलत। भाईचारा दिखाना है ना, दिखाओ प्लीज दिखाओ, स्ट्रीम पे आगे मत करो यार, पूरी बुराई करते थे टाइम पे ओमेगा की, अक्षर भी खुद ही बोलता था ओमेगा क्या नहीं खेलना कंटिन्यू नहीं करना, मैं जानता हूँ अक्षर के लिए बुरा हुआ है, मैं फील भी करता हूँ, आई एम सॉरी अक्षर उसके लिए जो हुआ, बट सिचुएशन मैच नहीं करी भाई, हम किसी को खिला पाए हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, ये बहुत क्लियरली है उसने जो भी बोला अक्षर के लिए, मैं अक्षर को नहीं बोला कि अक्षर गलत है अक्षर कुछ वो है, अक्षर सही है बट उसके आजू बाजू बजना जो टट्टे है ना वो कुछ ज्यादा ही बचते कभी कभार, ठीक है मेरे को वो बात पे दिक्कत है, अक्षर को जो ब्लेम करना है ना, अक्षर को जो हेट खिलवाना है हमें खिलाओ हम खाएंगे, हम तीनों बंदे हेट डिजर्व करते हैं वो हेट, बट बाकी कोई डिजर्व हेट नहीं करते हम, जो तुम सारे लॉजिक लगा देते हो ना कीचड़ से बाहर निकल गया, अरे यार कीचड़ से बाहर निकल गया, जो पिक्चर थी क्लियरली थी ईपीएल का इवेंट चल रहा था, वो इवेंट का मैंने अच्छा परफॉर्म किया था एज अ सोलो खेल के टीम एक्टर के अंदर, इनको कॉन्फिडेंस खुद ही नहीं आ रहा था, एंड रही बात मैंने निकाला क्या, मैंने क्या निकाला भाई, तीन प्लेयर लोग ने वोट किए, अब तीन प्लेयर आके बोलते हैं कि एक्टर तेरे साथ खेलना, मैं मना क्यों करूँ, मुझे अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है खेलने की मैं मना क्यों, किस बेसिस पे मना करूँ भाई, मुझे एक रीजन दे दो, अगर तीन बंदे को इवेंट से पहले बोलेगी एक्टर तेरे को कॉन्फिडेंस है टीम के साथ, मेरे को तो अगर मैं तीन रैंडम क्या कॉन्फिडेंस हो सकता हूँ, तो मैं अपने प्लेयर क्यों नहीं कॉन्फिडेंट होगा, मैं बोल दिया हाँ कॉन्फिडेंट हूँ, वो चीज हुई सिंपल सी बात है, उसमें आके इतना बड़ा कि दो दिन पहले डिसीजन, अरे दो दिन पहले डिसीजन दिया गया, ये कब से डिसीजन पेंडिंग था, कभी ना कभी तो देना था, कभी ना कभी तो डीलरशिप पे होने थे, सिंपल सी बात थी, जज ऐसा करते हो कि दो दिन पहले इवेंट फक करवा दिया, दो दिन पहले इवेंट भाई इवेंट में रुक जाता, इवेंट के बीच में बहुत चुदाप हुआ, हमें लेजिटली एक जरूरत भी थी प्लेयर की फिफ्थ की, तो फील भी हुआ था खेल लेता साथ में, सिंपल सी बात थी, तीन हफ्ते का इवेंट था, एक हफ्ता ओपनिंग इवेंट मेरे साथ होने की बात हुई थी ना, बाकी दो हफ्ते दिख जाता है ना वो इंसानियत से, फिर खेलना रहता नहीं खेलना, तुम निकल गए भाई सीधा कि नहीं खेलना ही नहीं, निकल जाऊंगा निकल जाओ, उसके बाद स्टैंड भी नहीं करो कि भाई मेरे को नहीं खेलना था, ये लोग ने जल्दबाजी में डिसीजन बनाया, हम लोग अच्छा नहीं लगा, बोल दो ना क्लियरली आके कि जल्दबाजी में डिसीजन बना मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैं निकल गया खत्म, घुमा फिरा के मेरे साथ गलत किए, मेरे साथ वो किए, मेरा करियर खा गया, अरे क्या खाया भाई क्या खाया हमने, जो था क्लियरली था, उसके वो दिन पांच बार स्टेटमेंट बदले गए थे, पांच बार, अगर फर्स्ट टाइम वो स्टेटमेंट में बोल देता ना, मैं अभी भी उससे पूछता था, बोल देता कि मुझे बीजेएमएस खेलना है, तो कोच भी वही चार को खिलाता, मैं नहीं खेलता, मैं इसके बाद जाके अपनी न्यू लाइनअप बनाता, उसने नहीं बोला, उसने बोला कि हाँ मैं खेलूंगा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर इन चार खेलेगा तो, अगर इसको हेक्टर का कॉन्फिडेंस आ रहा है इन तीनों को तो खिला ले, इसके ये क्लियरली वर्ड थे, पहले पहले वर्ड्स पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट पे भाई बदल गया वो, तीसरे पे फिर से हाँ बोल दिया, चौथे पे बदल गया, क्या सर्कस चालू है इधर पे, समझ रहे हो, तो हमारी गलती है, खुद के स्टेटमेंट बदल रहे हो, खुद के नाम हमारा कैसे आ रहा है, मैं क्यों इसमें इन्वॉल्व हो रहा हूँ बीच में बार बार कि मेरी गलती है हेक्टर ने, टीम तोड़ा हेक्टर ने, अरे मैं तो था भी नहीं, मैं तो अपना टीम हेक्टर बनाए खेल रहा हूँ चुपचाप, नहीं रहा मैं बहुत सॉरी अक्षर के, बट रही बात ओमेगा की, मैं तुम्हें क्लियर बात बता रहा हूँ, बीच में ओमेगा ने मेरे बारे में और को बोला है कि गोबलिन को निकाल के इस प्लेयर बुलाते उस प्लेयर बुलाते, टीममेट्स को भी कन्विंस करने का ट्राई किया, ये किसी को पता नहीं है बात, ये मैंने कभी किसी को बोली नहीं, बट ये बोला तो ये जो पब्लिक करने वाली चीजें मैं करता नहीं ज्यादा, बट ये भी गलत है कि तुम सब पब्लिक करो, जो भी बीटीएफ हमसे आके बात करते स्टोरी डाल के, ये बजना बजना हम नहीं कर रहे थे अभी तक, हम लोग एकदम शांत है भाई, हमने इंटरनल मैटर नहीं बताया था कि ओमेगा क्या चैट किया है, ओमेगा क्या हुआ क्या नहीं, मतलब गोबलिन को निकाल देते हैं, ये है गोबलिन वो है ये है वो है, इनको कन्विंस कर रहे हैं कि गोबलिन को निकाल देते हैं, बट हमने कभी कुछ नहीं बोला, हम लोग शांत बैठे, बट अभी आके बज रहे तो गलत है, भी गलत है, जनरली बता रहा हूँ, अभी बाहर नहीं करना था अक्षर को, मैंने पहला मैसेज अभी लिखा थोड़ी देर पहले, सॉरी भाई कि मैं, मतलब मेरे को जनरली अक्षर के लिए बुरा लगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था अक्षर छोड़ देना, ठीक है, बट ओमेगा का बोलना बिल्कुल पॉइंटलेस था, बिल्कुल इतना जो बजाना पॉइंटलेस था, हम लोग का जो टीम टूर्नामेंट एक्टर नहीं है, उसके बाद मेरे को एक्टर ने बोल दिया था कि मेरे को छोड़ना है भाई, फिर मैं कब तक फिफ्थ बना रहूंगा, ठीक है, फाइनेंशियल वाला कोई सीन नहीं था, एक्टर को सैलरी बाहर भी मिल जाती, मैं तुमको लिख के दे रहा हूँ, आईजेल्स बहुत कम है कम्युनिटी में, तो आई डोंट थिंक उसको सैलरी की प्रॉब्लम होती, तो मैं हाँ, बट हेक्टर तीन तीन टूर्नामेंट बेंच था, तीन चार मैं तो ना रहता भाई, मतलब इफ मेरे में पोटेंशियल है तो अलग बात है, मतलब पोटेंशियल नहीं है तो अलग बात है, बट पोटेंशियल है, तीन टूर्नामेंट बेंच है, चार टूर्नामेंट बेंच है, और दिक्कत किसको ओमेगा को बोलते हैं इसके साथ नहीं खेलना, क्लियर बोल दिया इसके साथ नहीं खेलना भाई, ये आईजेल है, और ये आईजेल क्यों बना मैं तुमको बता दूं क्यों बना, ओमेगा टूर्नामेंट से पहले दो दो महीने घर चला जाता था, क्यों आईजेल बना, तो हम लोग मैं नियो अक्षर हेक्टर खेलते थे, तो आईजेल कौन करेगा, हम चारों असॉल्टर के दूसरे की बात पे तो नामी भाई डिनाई करेगा, कोई डिनाई नहीं करेगा, पूछ लो किसी से भी कि हेक्टर आईजेल करता था, क्योंकि ओमेगा खेलने नहीं आता था, तो जब इसने आईजेल करा तो ओमेगा को इसको किससे दिक्कत होने लगी कि ये टूर्नामेंट जीत रहा है, तो इसको बेंच कर दिया, तो ये सब तो हम लोग नहीं बताते ना भाई स्ट्रीम पे, क्यों आके बजना होता है, मैं बता रहा हूं मैं कुछ बना बना आईजेल नहीं हूं, मैं बहुत इतू से फेस पे हूं, फटा बन के दिखाऊंगा, अब मैं भी को पहलूंगा मेरी आईजेल पे, अब मैं बन के दिखाऊंगा, और मेन थिंग तो हम नियो बोल रहा है, मैं बोल रहा हूं किसको एक बार चांस देते भाई, छोड़ के ला रहा है भाई, इसने क्लियर बोला कि भाई देखो मेरे को चांस दे दो, मतलब इसने नियो और मैंने किसको चांस देते कि ट्राई कर लेते, अगर खराब ही गया तो ये छोड़ के चला ही जाएगा, बट बहुत अच्छा खेले हम लोग, तो हमने सोचा कि यार क्यों नहीं भाई, और ओमेगा पूरे टूर्नामेंट आया भी नहीं भाई, लैंड पे आया भी नहीं, खुद बोला था कि इसको चांस दे देते कोई दिक्कत नहीं, आया लैंड पे नहीं आया,
एक महीने के मैं जब छोड़ गया था ना, मैं कभी किसी से आके बोलता कि मैं क्यों छोड़ गया रहो, क्या हो रहा हूँ। मैं क्लियरली अपनी टीम को बोल जाता मेरे पास 3 बंदे हैं, मैं उनका क्या स्टिक कर रहा हूँ, उनका क्या न्यू लाइनअप बना रहा हूँ। सिंपल सी बात थी, मैंने वीजेएस ही खत्म हुआ था, वो वीजेएस के बाद इनको क्लियरली बोल दिया था मैं। तो मैं तो सीन के आउट था, मेरे को सीन के अंदर लाया गया है, लाया भी कैसा गया है करके। सबका तो हुआ, मतलब ऐसा कुछ अनफेयर क्या हुआ इसमें, कुछ ऐसा क्या हो गया, हार्ट अटैक दे दिया देखो इवेंट के एक दिन मैच से पहले, बोला तू नहीं कैरेक्टर है, ऐसा कुछ हुआ तो गलत भी मानते। ऐसा तो नियो के साथ बहुत बार हुआ है, मैं तुम्हें श्योर बताऊं। लेने दे भाई, अब स्ट्रीम बहुत ही बड़ा था और बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें बोलो बात करते, तो आप लोग पूरा स्ट्रीम जाके चेक कर सकते हो, जितना शॉर्ट हो सका मैं यहाँ पे उतना कट करके यहाँ पे मैं अपलोड किया। अब इसके बाद ओमेगा यहाँ पे अपना ब्रॉडकास्ट में शेयर करते हैं, सच्चाई कड़वी लग गई, असली चीज़ें तो बची है अभी, तो वो भी यहाँ पे स्ट्रीम करेंगे और वो कुछ और चीज़ें रिवील करेंगे, लेट्स सी, वेट करते हैं। फिर सिडफा की तरफ से एक ट्वीट आया, लव मी और हेट मी बट मेरे राज में ये सब नहीं होता था, गुड लक टू ऑल पार्टीज इन्वॉल्व, हेट टू सी दैट इट हैज़ कम टू दिस। तो शायद इसी के बारे में बात कर रहे हैं। एंड स्पीरो यहाँ पे ब्रॉडकास्ट में शेयर करते हैं, ई-स्पोर्ट्स इज सो अनस्टेबल, वन डे यू आर वन ऑफ द बेस्ट एंड नेक्स्ट डे यू आर गेटिंग रिप्लेस्ड, प्रो प्लेयर बनना भाई टफ है बट बने रहना और भी टफ है। तो बात तो है यार, मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रिवील हुआ, अब देखते हैं यहाँ पे जब ओमेगा स्ट्रीम करेंगे तो कुछ और चीज़ें हम लोग को पता चलेगा। एंड लेट्स गो की तरफ से यहाँ पे ये न्यूज़ आया है, सोर्सेज ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स बीजीएमआई रोस्टर गेटिंग डिसबैंडेड, तो ये तो भाई हम लोग को पहले पता चल चुका है। तो चलो आज के इस वीडियो में इतना ही, जो मुझे बताते हैं ये न्यूज़ के बारे में, मिलते हैं अगले वीडियो में, लाइक और सब्सक्राइब करके जाना।